गाइज, आप अगर Q1 स्पीकर का फैन हो, Q1 कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला फैन हो, तो आपके लिए जो है यह वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि देखिए, Q1 जो है नया स्पीकर लॉन्च कर चुका है, जो कि नया मॉडल्स होने वाले हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दो स्पीकर ऐसे रहने वाला है, कौन सा स्पीकर को हम किस बेस के अंदर यूज करें, सारा का सारा जो है डिटेल्स के अंदर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। उससे पहले गाइस, वीडियो को एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, Q1 में दो स्पीकर ऐसे निकल के आ चुका है जो कि लॉन्च अभी तक हो भी चुका है। प्राइस जो भी हमको पता है वो हम बताएंगे, अभी कितना रेट हो गया है ये हम बात इसका जो है डिटेल्स हम बता नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये जो है वीडियो। तो देखिए, Q1 का पहला जो है ब्लैक कलर का, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, 18-1800 सबसी, जो कि ये एक 1800 वाट का एक स्पीकर होने वाला है। मैक्सिमम की बात करें तो ये 3600 वाट मैक्सिमम पावर है इसका। वहीं मैग्नेट साइज की बात करें तो 280 mm जो है इसका साइज है, और मोटाई अगर बोला जाए तो वो लगभग जो है आपको 30 mm के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वही बात करें वॉइस कॉइल की, तो लगभग जो है 5.2 इंच के आसपास जो है इसका वॉइस कॉइल है। वहीं ये स्पीकर की अगर प्रेफर की बात करो तो ये आप लॉन्ग थ्रो के लिए यूज करो। लॉन्ग थ्रो देखिए, 5 इंच वॉइस कॉइल है तो ज़्यादा लॉन्ग थ्रो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो सेकंड वाला स्पीकर है उससे जो है थोड़ा सा ये लॉन्ग थ्रो देगा आपको। मिड भी इससे आप थोड़ा सा उम्मीद जो है कर सकते हैं। हालांकि अभी तक तो जो है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह हमको जो है कुछ ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं, और मालूम बाद में होगा गाइस, जब होगा तो आपको आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे कि आपको पहले ही पिक्चर में आप देख ही चुके हैं जो है वो दूसरा वाला स्पीकर, जो कि योलो वाला, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ये वाला जो है स्पीकर का परफॉर्मेंस आपने देखे। तो ब्लैक वाला भी हमने सुने हैं, बाकी उसका जो है वीडियो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम बना नहीं पाए, तो उसको बात छोड़िए। अभी देखिए, टर्मिनल वगैरह की बात करें तो गाइज, 1 नंबर का टर्मिनल वगैरह है, 18 PD जैसे कि मॉडल्स आते हैं ATI प्रो की तरफ से, और क्या बोलते हैं ऑडियोटन वगैरह का जो 1800 वाट स्पीकर आता है, ये भी कुछ ऐसा ही है। परफॉर्मेंस भी लगभग उसका ही आसपास है। प्राइस की अगर बात करें तो ये भी जो है लगभग आपको हमको जो सुनने में आया है, अभी तक तो मैं डीलर वाले के साथ बात अभी तक किया नहीं हूँ, लेकिन जो है योलो वाले का मैं रेट बता दूंगा आपको, हमसे जो प्राइस लिया गया था वही मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो है लगभग ब्लैक का 20-21 हज़ार के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और योलो का बाद में हम बताएंगे आपको। और वहीं बात करें इसका स्पाइडर वगैरह जो है LMK से फिट किया गया है, तो उधर से जो है निकलने का कोई दूसरा चांस है ही नहीं, तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा। तो वही बात करें, दूसरा स्पीकर भी सेम टू सेम मॉडल है, Q1 1800 सब और ब्रैकेट में जो है सी, तो जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है ये वाला स्पीकर। मैग्नेट साइज की बात करें तो लगभग आपको 300 mm, मतलब 1 फीट 12 इंच के आसपास जो है इसका आपको साइज देखने के लिए मिल जाएगा। वही इंच की और मोटाई की बात करें तो ये थोड़ा सा उससे कम है, 25 mm का जो है मोटाई का है। और वही बात करें ये इसका मैग्नेट की, वो एक ही मैग्नेट था, इसमें जो है 4 पीस ज्वाइंट किया गया है। तो वही बात करें, ये भी गाइस जो है 1800 वाट नॉमिनल पावर है इसका। वही बात करें, मैक्सिमम जो है लगभग 3600 है। ये जो है प्रेफर अगर मैं करूँ तो, मेरा बात मानो तो, ये जो है बेस के लिए जो है रिवर्स बेस, जैसे कि वेस्ट बंगाल की तरफ से ज़्यादातर पॉप बेस यूज होता है, तो उसमें आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं। क्योंकि जैसे कि पिक्चर में आपने देखे, डुअल पॉप बेस में हमने जो है यूज किया था इसको, और ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है दिया। और ये जो है लक्ष्मी पूजा का विसर्जन में हमने रिसेंट जो है 2 बुकिंग था, तो उसमें जो है हमने टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा था और प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा गया, और वाइब्रेशन भी काफ़ी अच्छा मिला, वो भी CA20 मशीन से, CA20 का एक एम्पलीफायर से काफ़ी बेहतर जो है रेस्पॉन्स हमको मिला। हालांकि CA20 के हिसाब से काफ़ी ओवरलोड हो जा रहा था, बाकी हमने जो है काम चला लिया। वहीं अगर बात करें, एक 8000 वाट एम्पलीफायर होता तो काफ़ी बेहतर आवाज़ जो है हमको देखने के लिए मिल जाता। तो वीडियो आप सभी को उम्मीद है अच्छा लगा ही होगा।
सो गाइज, जैसे कि आपको आप सभी को पता ही होगा कि जो है हमारा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, और शॉर्ट वीडियो तो थोड़ा बहुत आता रहता था बीच बीच में, कभी 2-3 दिन के बाद एक दो वीडियो जब टाइम मिल जाता था तो आया करता था, तो थकान की वजह से भी हमने जो है वीडियो बना नहीं पाया। बीच में तो 1-2 दिन हमको फुर्सत मिला भी था, लेकिन जो है थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बना नहीं पाया। तो ये सारा कुछ बात छोड़िए, थोड़ा सा आप सभी को रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर आपको सभी को यूजफुल लगा होगा तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलते हैं कोई अगला एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।